कुक ऑफ दिस इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे 4 थिंग्स यू शुड नो अबाउट ब्लैक डॉग व्हिस्की। अगर आपका पसंदीदा ब्रांड ब्लैक डॉग है, अगर आप सच में पसंद करते हैं स्कॉच व्हिस्कीज और वो भी सिंपली ब्लैक डॉग, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स आज मैं इस वीडियो के जरिए शेयर करने वाला हूँ। ऐसे ब्लैक डॉग इंडिया में आए और उल्का की तरह छा गए। जी हाँ, एक ऐसा ब्रांड जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कॉच व्हिस्की है और सिर्फ इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया में ब्लैक डॉग सबसे ज्यादा सेल करता है। इससे पता तो चलता है कि ब्लैक डॉग लवर चारों तरफ है। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है अगर सच में आप ब्लैक डॉग लवर है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो 4 इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है। तो पहले जानेंगे कि ब्लैक डॉग का नाम ब्लैक डॉग क्यों रखा गया है, कहां से ये काला कुत्ता के साथ रिलेट करता है। तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसका ताल्लुक काला कुत्ता से क्रोसो दूर तक नहीं है। फ्रेंड्स, असल में एक फिशिंग फ्लाई का नाम है ब्लैक डॉग। मिस्टर वॉल्टर मिलर, जो ब्लैक डॉग को इन्वेंट किया था, उन्होंने अक्सर जब फिशिंग करने के लिए जाया करते थे तो अक्सर एक स्पेशल किस्म का कांटा को यूज करते थे, जिसको कहा जाता है ब्लैक डॉग। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे ब्लैक डॉग का जो ऊपरी हिस्सा है बॉटल का, यहाँ पर देखिए वो फिशिंग फ्लाई का एक पिक्चर मिलेगा, इमेज मिलेगा, वो है ब्लैक डॉग, उसको ब्लैक डॉग कहा जाता, और इसीलिए इसका नाम रखा गया था ब्लैक डॉग। काला कुत्ता से कोई रिलेशन नहीं है। नंबर 2 पॉइंट कि ब्लैक डॉग का बॉटल में देखिए लिखा हुआ है ट्रिपल मैच्योर, ठीक ऐसा जगह भी। और इसका मतलब क्या है, सिंपल है, जब भी ब्लैक डॉग अपना व्हिस्की को बनाते हैं वो 3 टाइम उसको मैच्योर करते हैं। कैसे, सिंपल है, जब भी ब्लैक डॉग व्हिस्की को बनाते हैं तो सिंगल मॉल्ट को अलग सा मैच्योर करता है और ब्लेंडेड को अलग सा मैच्योर करता है, और दोनों अलग व्हिस्कीज को मैच्योर करते हैं अमेरिकन व्हाइट ओक कास्क में। और जैसे वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद उन दोनों व्हिस्की को इकट्ठा मैरी किया जाता है, मतलब ब्लेंड किया जाता है, और ब्लेंड करने के बाद एक नया बड्स में, ओलोरोसो सेरी बड्स में उसको फिर से डाल के मैच्योर करने के लिए रखा जाता है। इसको बोला जाता है ट्रिपल मैच्योर। अब जब वो ब्लेंड कंप्लीट होता है तब जाके आपको मिलता है एक स्पाइसी हिंट, क्योंकि ओलोरोसो कास्क जो है उसमें ऑलरेडी शेरी वाइन को मैच्योर किया गया है, और शेरी वाइन को जैसे मैच्योर करने के बाद वो एम्प्टी बैरल स्कॉच व्हिस्की मतलब ब्लैक डॉग को दिया जाता है, और जब उसमें व्हिस्कीज को डाल के मैच्योर करते हैं तो उसका जो स्पाइसीनेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है व्हिस्की, और फाइनल प्रोडक्ट में हम लोगों को एक स्पाइसी हिंट मिलता है और डिस्टिंक्ट फ्लेवर के साथ डेलिकेट फिनिश पे मिलता है। ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व का उम्र कितना है, मतलब कितना साल पुराना ये व्हिस्की है, क्या आप जानते हैं? तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि ये सिंपली 3 ईयर्स ओल्ड व्हिस्की है। पहले ब्लैक डॉग एज स्टेटमेंट के साथ आया करता था, उसमें 12 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ रहता था, बट आजकल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्कॉच लॉ के अनुसार कोई भी स्कॉटलैंड में अगर व्हिस्की बनता है तो कम से कम उसको 3 ईयर्स मैच्योर तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखूं तो ये शायद सिर्फ 3 ईयर्स ओल्ड ही है। नंबर 3 पॉइंट, ब्लैक डॉग एक OSBI कैटेगरी व्हिस्कीज है। OSBI का मतलब है ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इन इंडिया, मतलब साफ है कि ओवरसीज से बैरल के जरिए या कंटेनर के जरिए मेन ब्लेंड को भेजा जाता है इंडिया में, और यहाँ पर USL मतलब इसका जो कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, वो यहाँ पर उन व्हिस्कीज में वाटर को मिला के डाइल्यूट करके इसको रीपैकेज करके आपके सामने हाजिर करता है। इससे फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, इससे फायदा कंपनीज का सबसे ज्यादा है। अगर कंपनी डायरेक्ट बॉटल को स्कॉटलैंड से इंडिया में मंगवाते तो कंपनी को इंपोर्ट ड्यूटी के स्वरूप 150% से भी ज्यादा पे करना पड़ता, बट OSBI के चलते मतलब ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इन इंडिया के चलते कंपनी को ओनली 30% इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो इससे फायदा शायद आपका भी है, इससे जो प्राइस है बहुत कम हो जाता है। 4 नंबर पॉइंट कि ब्लैक डॉग में 25 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हिस्कीज का ब्लेंड है। जब आप ब्लैक डॉग का चुस्किया ले रहे थे, कभी क्या सोचा है आपने
कि 25 विस्कीज को इकट्ठा आप पी रहे हैं, शायद कभी नहीं। आज जान गए हैं फ्रेंड्स, देखा गया है कि स्कॉटलैंड का जो चारों हिस्सा है, चारों रीजन है, उन चारों रीजन से विस्कीज को मंगवा के इसमें ब्लेंड किया गया है। मतलब लोलैंड, हाईलैंड, स्पेसाइड एंड आइला रीजन का विस्कीज को कंबाइन किया गया है। और उसके बाद मतलब इंटर स्कॉटलैंड इस बॉटल के अंदर सीमित है। तो ब्लैक डॉग का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नेम ऑफ नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। टाटा।